शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, विशाल पटेल के साथ खबर सनसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। इलाहाबाद में दरोगा को पीट पीट कर हत्या के मामले का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पुलिस को कल तक जवाब देने को कहा है और साथ ही ये भी पूछा है कि अभी तक इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, जबकि इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ चुका है। रिटायर्ड दरोगा को सरेआम पीट पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद का पास में ही रहने वाले एक हिस्ट्री सीटर जुनैद से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। इसको लेकर पहले भी कई बार उनके बीच कहासुनी हो चुकी थी। सीला खाना मस्जिद निवासी अब्दुल समद खान पुलिस विभाग में दरोगा पद से साल 2006 में इलाहाबाद से रिटायर हुए थे। धारदार हथियारों से बोला हमला। खबरों के मुताबिक सोमवार को अब्दुल समद साइकिल से मार्केट से घर लौट रहे थे, तभी घर से कुछ दूरी पर हिस्ट्री सीटर जुनैद ने अपने कुछ साथियों के साथ उनको घेर लिया और दरोगा पर लाठी डंडे के अलावा धारदार हथियार से हमला बोल दिया। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के कारण इलाके में दहशत फैल गई है। हिस्ट्री सीटर और उसके साथियों ने समद पर कई बार वार किए और उनको लहूलुहान कर दिया। वो दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन उनकी मदद को कोई आगे नहीं आया और सब तमाशबीन बने रहे। किसी प्रकार पुलिस को इसकी सूचना मिली, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। अब्दुल समद को वहां से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। एक गंभीर प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक रिटायर्ड दारोगा श्री अब्दुल समद खान इनकी हत्या की एक FIR पुलिस के पास दर्ज कराई गई है। इसमें पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और जो मुख्य तीन अभियुक्त जो CCTV फुटेज में दिख रहे हैं, उनमें से एक अभियुक्त को मोहम्मद यूसुफ, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कई अन्य लोगों के साथ पुलिस पूछताछ भी कर रही है और जल्दी जो CCTV में जो फुटेज दिख रहे हैं और अन्य कल्प्रिट्स जो इस पूरे इंसिडेंट के पीछे जो संज्ञान में आते हैं, पुलिस उनको भी गिरफ्तार करेगी। जी बता दिया, ये हत्या की क्या वजह थी कि जो मामला हुआ? सर, ये जुनैद बाप का नाम सत्तार, ये मतलब माफिया है, सीटर है ये, और ये जो है लोगों की जमीन हड़प हड़प करके वहाँ अपना कब्जा करके उसको बेचता है, जो कि हर आदमी के साथ ये किया करता है। मेरे भाई साहब रिटायर्ड दरोगा थे, आज अपने घर से सवेरे निकले, उनको भी जमीन तेरा छोड़ के भाग गया। उन्होंने कहा भाई कि जमीन हमारी, हम क्यों भाग गए? तो उसी बेस को ले करके उसने अपने लड़कों और कुछ सहपाठियों के साथ मिल करके जब घर से निकले तो इनको घेर करके रात डंडा और कट्टे बट से मारा, जिससे कि उनकी मौत हो गई। हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम में हैं, पोस्टमार्टम हो जाने के बाद तक उनका सत्कार किया जाएगा। अब ये थोड़ा बड़ा जिन्होंने सारी ज़मीनें गरीबों की, यतियों की, बैकवर्डों की सब कब्जा करके इन्होंने लाज बनाई। इनको तो 2.5 लाख रुपया महीना आ रहा है, इसलिए किसी को रहने नहीं दे रहे हैं। पुलिस को ये मिला रखा है, पुलिस को पैसा दे के मूवमेंट कर देता है और गरीबों को निकाल घर से बाहर करता है। ये किस थाने का मामला है? ये थाना थाने का है, सिकोटी थाने में जुनैद का कई मुकदमा दर्ज है। अब कम से कम इनके ऊपर मुकदमे 46 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज, लेकिन पुलिस फिर भी इसको तरह देती रही, जिससे इतना बड़ा आज कांड कर रही है। ये भाई सबसे गुजारिश है कि उनको न्याय मिले
और उनके बच्चों को, उनके और परिवार को सबको राहत मिल सके। पर्चे बता दीजिए अपना। अब्दुल वाहिद सनाब दोस्त मोहम्मद 20 44 मेदौरी कॉलोनी।